हेलो दोस्तों, दोस्तों मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं जय गुरुदेव कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कीज के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए इम्पॉर्टेंट की के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्केप की से। दोस्तों स्केप की क्या होता है? स्केप की कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन की के बाएं साइड में होता है, जिस पर लिखा होता है ESC, उसे कहते हैं हम स्केप की। इसका यूज दोस्तों जैसे ज़्यादातर इसका उपयोग हम कमांड को कैंसिल करने के लिए करते हैं। मान लीजिए अभी आपका नोट पैड ओपन है, हमने यहाँ पर आपका नोट पैड ओपन किया है, इसमें मान लीजिए आपने कोई वर्ड टाइप कर दिया, ठीक है, आपने यहाँ पर कोई वर्ड टाइप किया, हमने कंप्यूटर लिखकर अब हम इसको सेव कर रहे हैं। जैसे ही सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, अगर हम स्केप दबाएंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है ये यहाँ से कट जाएगा। देखिए दोस्तों जैसे ही आप स्केप दबाएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम स्केप की से डायलॉग बॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं, वो कैंसिल कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर कोई वीडियो अगर फुल स्क्रीन में चल रही है तो उसको भी क्लोज कर सकते हैं हम। और दोस्तों कोई भी हो स्केप की में अगर टैली का यूज आप कर रहे हैं तो टैली में बैक आने के लिए स्केप की का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कुछ शॉर्टकट कीज भी स्केप की में यूज होती हैं। और अगले इंपॉर्टेंट कीज के बारे में बात कर रहे हैं हम शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज किस लिए करते हैं? चलिए हम नोटपैड अपना ओपन करते हैं और उसमें दिखाते हैं शिफ्ट की का यूज किस लिए किया जाता है। इसका जो शिफ्ट की का यूज होता है वो किसी भी लेटर को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए अभी हमें सी लिखना हो तो हम केवल सी टाइप कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है, लेकिन अगर आप शिफ्ट को दबाकर सी टाइप करेंगे तो ये कैपिटल लेटर में होगा। इसी तरीके से जिस वर्ड को आपको टाइप करना है तो उसको शिफ्ट के साथ अगर आप शिफ्ट को दबाकर प्रेस करके उस वर्ड को प्रेस करेंगे, उस की को प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखाई देगा। देखिए इससे दोस्तों हम कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो सी को कैपिटल लेटर में और सबको स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, इस तरीके से हम कंप्यूटर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका शिफ्ट की का यूज कुछ जगह शॉर्टकट की में भी की जाती है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे स्केप बार की के बारे में। स्केप बार की क्या होता है? स्केप बार की जो होता है वो कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है, या कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, और इसका उपयोग कर्सर को खिसकाने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि किसी वर्ड को दो वर्डों के बीच में स्पेस देने के लिए। मान लीजिए आपका यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है तो कंप्यूटर के बीच में हमें जगह चाहिए, यम और पी के बीच में हमें जगह चाहिए। अगर हम यहाँ स्पेस का यूज करते हैं, एक बार स्पेस दबाएंगे तो देखिए कंप्यूटर और यम और पी के बीच में जो स्पेस हुआ है, एक वर्डों का जगह खाली हुआ, वो स्पेस बार से हम दे सकते हैं। यहाँ से जितनी बार आप स्पेस दबाएंगे उतना जगह वो होता चला जाएगा, कर्सर उतनी जगह बार खिसकता चला जाएगा। इस तरीके से हम स्केप की का यूज करते हैं। और स्केप नहीं सॉरी सॉरी दोस्तों इसे कहते हैं स्पेस बार की। स्पेस बार की का यूज कहीं कहीं हम इसका जो उपयोग है ना तो उसको शॉर्टकट की में ही भी करते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इंटर की के बारे में। ये इंटर की कीबोर्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, या अगर आप यूँ कह लीजिए एक नई लाइन ओपन करने के लिए, एक नई लाइन शुरू करने के लिए इस की का यूज किया जाता है, और कहीं कहीं ओके करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए अभी आप यहाँ पर हैं लास्ट में, अब आपको दूसरी लाइन से टाइप करना था, अगर आप यहाँ पर इंटर टाइप कर रहे हैं तो आपका जो है देखिए एक नई लाइन से स्टार्ट कर देंगे लिखना, और आप फिर दूसरा टाइप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से एक लाइन पर आप आ गए। इसी तरीके से दोस्तों देखिए तीसरी लाइन पे आ गए हम। इसी तरीके से जितनी बार आप इंटर टीप कर टाइप करेंगे उतनी बार ये आपका आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप टाइप कर सकते हैं इंटर के द्वारा। इसी तरीके से आप इंटर की का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है दोस्तों। देखिए जितनी लाइन हमने टाइप किया है इंटर दबा दबा कर एक नई नई लाइन आती गई है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आपको यहाँ पर स्पेस बार की, तो हो गया आपका पूरा। अब हम बात करेंगे इसी के तरह का यूज होने वाला एक बैक स्पेस।
जिसे कहते हैं हम बैक स्पेस। बैक स्पेस का मतलब होता है किसी भी सेलेक्ट वर्ड को या फिर किसी वर्ड को मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। मान लीजिए अभी हमें इतना जितना आपने वर्ड टाइप किया इसको मिटाना है, तो इसको देखिए यहाँ पर इस तरीके से बैक स्पेस का यूज़ करके इसको मिटा सकते हैं। देखिए जितनी बार हम यहाँ बैक स्पेस का यूज़ कर रहे हैं ये वर्ड मिटता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम वर्ड को मिटा सकते हैं और इसका यूज कहीं कहीं किसी विंडो में पीछे आने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए अभी आपका मैंने कंप्यूटर ओपन कर दिया, ठीक है, मैंने कंप्यूटर ओपन किया, फिर इसको ओपन कर दिया। अगर अब आप चाहते हैं, देखिए आप चाहते हैं पीछे आने के लिए, तो बैक स्पेस का यूज करेंगे तो आप पीछे आ जाएंगे, एक बार और कहेंगे और पीछे आ जाएंगे। इस तरीके से आप बैक स्पेस का यूज करके किसी किसी प्रोग्राम में पीछे आ सकते हैं। और इंटर का यूज करके, मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पर क्लिक, अगर इंटर की दबा रहे हैं तो आप आगे जाएंगे और बैक स्पेस की से आप पीछे आएंगे। यही इंटर और बैक स्पेस की में अंतर है, ठीक है दोस्तों। इतना ही आज का वीडियो बना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करें और जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, और आपको कीबोर्ड से लेकर कंप्यूटर से लेकर टिप्स ट्रिक सब हमारी वीडियो में आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।